नमस्ते, आज हम एक ऐसी चीज के बारे में जानने वाले हैं जो कि एक चम्मच, मात्र एक चम्मच ही उसको लेने से आपके शरीर में बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर आप सुबह सुबह नाश्ता करते हैं तो उसमें एक चम्मच अलसी का पाउडर मिला दीजिए। अलसी का पाउडर मिला या किसी भी रूप में आपको अलसी का सेवन करना है, और इस अलसी के बारे में पांच बड़े कारण बताऊंगा कि क्यों हमें अलसी का सेवन करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं इसको लेने का सही तरीका। अगर आप सीधा ही अलसी का सेवन कर सकते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको सेक कर ले सकते हैं, रोस्ट कर ले सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं। या अगर आपको अलसी को चबाने में बड़ी दिक्कत होती है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अलसी को एक बार मिक्सर में घुमा के उसका पाउडर तैयार कर लें। अगर आप सुबह दलिया खाते हैं तो आपको दलिया में मिक्स कर देना है। सुबह फल फ्रूट खाते हैं तो उसके साथ भी अलसी का सेवन कर सकते हैं, या एक चम्मच अलसी के पाउडर को मिलाकर उसको ले सकते हैं। या अगर आप सुबह नाश्ता नहीं करते और सीधा भोजन का सेवन करते हैं, सीधा लंच करते हैं, तो भी आप इसको सब्जी में मिक्स करके इसका सेवन कर सकते हैं। या आप जो रोटी बनाते हैं उसमें भी आप अलसी का पाउडर मिक्स करके इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप सोच रहे हैं कि हम पहले से ही अलसी का पाउडर तैयार करके एक बार में ही रख लें और महीने भर उसको इस्तेमाल करते रहें, तो इससे आपको कोई भी फायदे नहीं होने वाले हैं। क्योंकि अलसी का अगर पाउडर तैयार कर लिया जाए तो उसको 2-3-4-5 दिन में ही उसका सेवन कर लेना चाहिए, क्योंकि 5-6 दिन बाद उसका तेल निकलना शुरू हो जाता है, और वही तेल ही तो सबसे मेन है। हालांकि उसके गूदे भाग में भी न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं, लेकिन जो सबसे मेन है वो तेल है। इसको एक सही एग्जांपल से समझे तो जैसे दूध में घी होता है, ठीक उसी प्रकार अलसी में तेल होता है। घी निकलने के बाद जो मट्ठा बचता है, हालांकि उसमें भी न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं, लेकिन घी से कम ही होते हैं। ठीक इसी प्रकार अलसी में भी उसका तेल निकालने के बाद गूदे भाग में न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं, लेकिन उतने नहीं होते जितना तेल में होते हैं। इसलिए जब भी अलसी का सेवन करें तो ताजा ताजा ही अलसी का पाउडर बनाएं और ताजा ताजा ही उसका सेवन करें। अब अलसी को आपको मैक्सिमम एक चम्मच या ज्यादा से ज्यादा आप 2 चम्मच ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वह पांच बड़े कौन से कारण हैं जिसमें अलसी का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर है कि बॉडी बिल्डिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपके डोले शोले बने, आप व्यायाम करते हैं और आप प्रोटीन की जरूरत को पूरी करना चाहते हैं, एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन हमें अलसी में मिल जाता है, जिससे ये बॉडी बिल्डिंग में बहुत फायदेमंद होता है। इसमें अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन होने के कारण इससे आपके मसल्स उभरेंगे, आपके डोले शोले, बैक, चेस्ट, लेग्स के मसल्स उभरेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चौथे कारण के बारे में, जो है कि इसमें मौजूद फाइबर। जी हाँ, अलसी में अच्छी खासी मात्रा में फाइबर मौजूद होता है। फाइबर हमें क्यों जरूरी है? शरीर को अगर अच्छी खासी मात्रा में फाइबर मिल जाए तो इससे पाचन शक्ति बढ़ती है, इससे कब्ज की समस्या दूर होती है। ये डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद है, ये हमारे हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है। और जैसा कि भारत के हर घर में मैक्सिमम गेहूं की रोटी ही बनती है, और गेहूं एक ऐसा अनाज है जिसमें फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है, तो ऐसे में फाइबर की जरूरत को पूरी करने के लिए अलसी का सेवन करना अति आवश्यक है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरे कारण के बारे में, जो है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही कम शाकाहारी आहारों में होता है, ये मैक्सिमम नॉन वेज में होता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे मुख्य सोर्स है फिश ऑयल, और हर कोई फिश ऑयल को अफोर्ड नहीं कर सकता, और ना ही मैं मांसाहार करने की सलाह देता हूँ। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप शाकाहार रहने के बाद भी ओमेगा 3 की पूर्ति कर सकते हैं, वो कर सकते हैं अलसी के माध्यम से। अलसी में अच्छी खासी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है, ये हमारे बालों के लिए बहुत फायदेमंद है, ये हमारे स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे हमारे बालों की क्वालिटी अच्छी होती है, स्किन की क्वालिटी अच्छी होती है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरे कारण के बारे में, जो है इसमें मौजूद पोषक तत्व। अलसी में पोषक तत्व की ऐसी भरमार होती है, ऐसे भरे पड़े होते हैं कि ये एकमात्र अलसी ही आपकी मल्टीविटामिन का काम कर सकता है। और पता नहीं क्यों लोग आहार को छोड़कर गोलियों में ही मल्टीविटामिन ढूंढ लेते हैं, गोलियों में ही पूरे पोषक तत्व ढूंढ लेते हैं। परमात्मा ने 17 तरीके की चीजें बनाई हैं, 17 तरीके के आहार बनाए हैं, और उनको छोड़कर अगर आप मैन मेड गोलियों पर ध्यान दें तो ये आपकी मूर्खता है। इसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्ब, फैट, फाइबर। और माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि अभी बताया था। और माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो जैसे विटामिन ए, डी, सी, B6, और जाने तो आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, जैसे अन्य सारे बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं। इसलिए अगर आपको न्यूट्रिशन की ज्यादा परवाह है तो अलसी का सेवन जरूर करें। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नंबर 1 कारण के बारे में, जो है कि वेट लॉस। जैसा कि हमने अभी जाना था कि अलसी में अच्छी खासी मात्रा में फाइबर मौजूद होता है, तो ये फाइबर का काम एक और है कि ये हमारे पेट को भर के रखता है। इससे ना ज्यादा आपको भूख लगती है, जिससे आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, और ओवर ईटिंग ना करके आप अच्छे से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।